संदीप मारवा दुनिया की उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने स्वयं से ऊपर उठकर कला और संस्कृति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अपने जीवन में अब तक किए गए कार्यों से उन्होंने 9 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए हैं। आइए डालते हैं एक नजर उनकी एक विशेष उपलब्धि पर। संदीप मारवा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक हैं, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर और 25 एकड़ इंडोर है, जहां 16 स्टूडियोज लगातार काम कर रहे हैं। आज फिल्म सिटी से 162 देशों में 24/7 350 चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं और लगभग 17,000 मीडिया पेशेवर यहां 8 घंटे की 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। इसका व्यापक प्रभाव ये है कि इस फिल्म सिटी के कारण लगभग 1.5 लाख लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस शानदार कार्य के लिए संदीप मारवा को 3 चेयर्स। संदीप मारवा उत्तर भारत के पहले पेशेवर फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के संस्थापक भी हैं। 30 वर्षों की अवधि में उन्होंने इस स्टूडियो से 50 से अधिक चैनलों के लिए 4,500 टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण किया है। वे 8 भाषाओं में बनी 125 फीचर फिल्मों और लगभग 5,000 प्रशिक्षण फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। मारवा स्टूडियो भारत के अधिकांश चैनलों के लिए एक रचनात्मक शिविर रहा है। संदीप मारवा भारत गणराज्य के पहले निजी फिल्म स्कूल नोएडा में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के संस्थापक और 30 सालों से उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दुनिया के 145 देशों से 20,000 से भी अधिक मीडिया पेशेवरों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया है। उन्होंने 3 महीने से लेकर 4 साल तक सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री तक के 75 अलग अलग कोर्स डिजाइन किए हैं। इसे एक विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। आइए डालते हैं एक नजर उनकी एक और विशेष उपलब्धि पर। संदीप मारवा दुनिया में सबसे ज्यादा लघु फिल्मों के निर्माता हैं। उन्होंने फिल्म विधा की हर संभव शैली में 3,300 फिल्मों का निर्माण किया है और दुनिया के 120 से भी अधिक देशों के 15,000 से अधिक एमेच्योर और पेशेवर फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने का अवसर दिया है। संदीप मारवा ने देश को 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव दिए हैं। इसमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, ASMS फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, कंट्री वाइज फेस्टिवल और सूफी फेस्टिवल शामिल हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कद के लोकप्रिय महोत्सव हैं, जिनमें से AAFT दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसने 115वें संस्करण को छुआ है और 3,000 से अधिक निर्देशकों को इन फेस्टिवल्स में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका देते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। संदीप मारवा हर विधा के 7,500 आयोजनों से जुड़े हुए हैं, चाहे वह कोई कार्यशाला हो, सेमिनार, संगोष्ठी, संवाद कार्यक्रम, उत्सव, संगीत विमोचन, पुस्तक विमोचन, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम। प्रेस सम्मेलन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, विदेशी आगंतुकों की विजिट्स, सेलिब्रिटी यात्राएं, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी या वस्त्र प्रदर्शनियां, आभूषण प्रदर्शनी, फैशन शो, सौंदर्य प्रतियोगिता के अलावा और भी बहुत कुछ। संदीप मारवा विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 से अधिक फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, कला, संस्कृति, सामाजिक संगठनों की अध्यक्षता की है और विश्व के 67 देशों की सरकारों द्वारा
भारत में उन्हें सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। इन जिम्मेदारियों को सामान्यतः उन देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, राज्यपालों, मंत्रियों, राजदूतों और उच्चायुक्तों द्वारा निभाया जाता है। 30 साल पहले संदीप मारवा ने अंग्रेजी शब्दकोश को फिल्म एंड टेलीविजन टूरिज्म शब्द दिया था। उस समय उसे कोई समझ नहीं पाया था, लेकिन आज फिल्म एंड टेलीविजन टूरिज्म के बारे में प्रत्येक देश बात कर रहा है। अपने सम्मानित कार्यकाल के दौरान संदीप मारवा फिल्म एंड टेलीविजन टूरिज्म के तहत नोएडा फिल्म सिटी में अब तक 30 लाख लोगों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। भारत गणराज्य के श्री संदीप मारवा ने 19वीं क्वींस बैटन रिले को कवर करके 28 राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों, 20,000 किलोमीटर, 300 कार्यक्रमों, 900 शहरों में 10,000 तस्वीरें, 1,000 घंटे की फिल्म को कवर करके वाघा बॉर्डर से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली तक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और 102 दिनों में 102 रेडियो कार्यक्रम, 102 लघु फिल्में विश्व प्रसारण के लिए बनाई। कॉमनवेल्थ की ओपनिंग फिल्म मारवा स्टूडियो द्वारा बनाई गई थी और खेलों के दौरान AAFT के 75 छात्रों ने विदेशी मीडिया का समर्थन किया था। संदीप मारवा खुद उन 900 एथलीटों में से एक थे जिन्हें जयपुर से दिल्ली तक बैटन के साथ दौड़ने के लिए चुना गया था। संदीप मारवा को पूरे भारत और दुनिया के कई देशों से 1000 से भी ज्यादा बार सम्मानित किया जा चुका है, जिन प्रतिष्ठित पुरस्कारों में विभिन्न विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट, लंदन में ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्डिफ में वेल्स पार्लियामेंट, म्यूनिक में बवेरियन पार्लियामेंट, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड, पोलैंड से गेटवे ऑफ फ्रीडम, ग्रीस से अलेक्जेंड्रा द ग्रेट अवार्ड शामिल हैं। ये तो एक शुरुआत है, आने वाले समय में आप शायद उनकी इससे भी ज्यादा उपलब्धियों के बारे में देख और सुन पाएंगे। संदीप मारवा एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने फिल्म, टेलीविजन और मीडिया में ये 9 विश्व कीर्तिमान कायम किए हैं और वे इन सभी उपलब्धियों का श्रेय अपने पूजनीय माता-पिता को देना चाहते हैं।